नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा साक्षी थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा कड़ी मुहिम चलाई जा रही। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं और शराबियों द्वारा अड्डाबाजी उत्पात मचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम पुलिस द्वारा लगातार तरह तरह की पहल की जा रही है ताकि अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसी कड़ी में जमशेदपुर के सिटी एसपी द्वारा डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरे साक्षी थाना क्षेत्र का भ्रमण कर अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिरने के उद्देश्य से जिला पुलिस सजग व सतर्क है। जिला पुलिस द्वारा कई मुहिम चलाकर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी करवाई हुई है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, जो बाजार वाले एरियाज है जहाँ पे कि लोगों का आवागमन अक्सर ही रहता है, वहाँ पे कभी कभार पता लगता रहता है कि वहीं पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका भी जमावड़ा कभी कभार हो जाता है। उसी की रोकथाम के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम लोग पैदल गश्ती के नाम से करवाते हैं। तो आज इसमें हम लोगों ने पहली बार जो है एक डॉग का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि डॉग का एक अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंधित सामान अगर कहीं भी उसको पता लगता है तो वो आपको अलर्ट भी देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज इसमें डॉग का भी इस्तेमाल किया है। आगे भी इस प्रकार के मार्केट को हम लोग जारी रखेंगे और आशा करते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव हम लोग को मिलेंगे और शहर में हम लोग शांति अमन व्यवस्था कायम करने में और अधिक अच्छे तरीके से कामयाब। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।